दोस्तों, अगर आप पेन ईएमआई के एक रिटेलर हैं और फिंगर से पैसे निकालने का काम करते हैं तो जरूर आप मनी ट्रांसफर का भी ऑप्शन अपने एप्लीकेशन के ऊपर देखे होंगे। बहुत सारे लोग मनी ट्रांसफर यूज करने जगह यूपीआई कर देते, जो कि एक बिजनेस पर्पज सही तरीका नहीं है। तो आज के इस वीडियो हम जानेंगे एक पेन ईएमआई रिटेलर किस प्रकार मनी ट्रांसफर प्रोसेस का पेन ईएमआई ऐप पे यूज कर सकता है, उस पर कैसे किसी भी आए हुए कस्टमर पैसे को ट्रांसफर कर सकता है, उस पर क्या शुल्क उसमें लगते हैं और उसे उस मनी ट्रांसफर के सर्विस को यूज करने के कमीशन क्या मिलते हैं, एंड इस मनी ट्रांसफर प्रोसेस करने के लिए उनके क्या क्या चीज रिक्वायर होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल के साथ पे नियरबाय के इस सर्विस को मनी ट्रांसफर का हम जानेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले जैसा कि आपको हम बता दें कि पेन ईएमआई मनी ट्रांसफर करने के लिए आपके जो मेन बैलेंस है वो आपके अगर लेजर चेक करोगे तो मेन लेजर में होनी चाहिए। आप जो भी फिंगर पैसा उठाते हैं वो आता है आपका ट्रेड या सेटलमेंट लेजर के अंदर, लेकिन उसको मूव करके या लोड करके मेन लेजर के अंदर आपको करना होगा। पहला चीज रिक्वायर है जो भी पैसा ट्रांसफर कर जाते हैं उसे। उसके सिंपली मनी ट्रांसफर प्रोसेस के अंदर क्लिक करेंगे आइकोन के अंदर तो हमें यहाँ पे कुछ ऊपर सर्विस चार्ज दिखेंगे। जो ट्रांजेक्शन अमाउंट 49,750 रुपए तक है मैक्सिमम, जिसपे 1% चार्ज आपको कस्टमर से करना है। इंक्लूड जितने अमाउंट वो भेज रहे हैं उनके अतिरिक्त 1% चार्ज उनसे करना है। मान ली किसी ने अगर 1,000 भेजने आया है तो 1,010। जो इसी तर्ज पे कई सारे लोग एपीएस का काम करते वहां पे 1% शुल्क पैसे कैश देने के लिए भी करते हैं, क्योंकि जब अगर ट्रांसफर के लिए 1% लगता है तो भैया उठाने के लिए बहुत लोग 1% शुल्क लगा देते, कुछ लोग ज्यादा लगाते जो गलत है। वैसे अगर सच्ची बताऊं तो कंपनी का भी कहना है कि आप एपीएस चार्ज नहीं ले सकते, आपको कमीशन मिलता है बाकी। तो इस बात को छोड़ते आगे हम जानते हैं यहाँ पे कस्टमर डिटेल मांगेगा। तो ये सबसे पहले मनी ट्रांसफर करने के जो भी कस्टमर आए उनको एक मोबाइल फोन साथ में लेके आना होगा, जिनको उनको पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ता है फर्स्ट टाइम। अगर वो एक बार रजिस्टर हो जाते हैं और सेम कस्टमर भेजना होता है, सिर्फ मोबाइल नंबर डालने पर सारा डिटेल आ जाता है। जैसे हमने एक नंबर डाला, यहाँ पे वो बंदा रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन करना पड़ता है। ख्याल रखिए रजिस्टर कोई ऐसा नहीं है, रजिस्टर किया जा रहा है, ये एक डिटेल है जो भेजने आया बंदा उसका डिटेल होता है, जानकारी कि वो बंदा सेंडर यहाँ पे वो बंदा हो गया। बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी बंदे को यूपीआई पेमेंट करते हैं, यूपीआई पेमेंट सेंडर आप होते, भेजने वाले आप होते हैं। और यहाँ पे जो कस्टमर आके आपको भिजवा रहा है, अगर वो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करता है, किसी फ्रॉड का पैसा भरता है, किसी गलत काम के लिए ट्रांसफर करता है और भेजने वाले आप होते, आप यूपीआई ट्रांसफर करते हैं तो कभी इन पे इन्वेस्टिगेशन होता है तो भैया बहुत बुरे फंस सकते हो आप। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एज ए बिजनेस पर्पस अगर आप सर्विस देते हो तो यूपीआई का इस्तेमाल ना देने के लिए, लेने के लिए कुछ ऑप्शंस है, क्यूआर कोड वगैरह होते हैं मर्चेंट, वो अलग चीज है, ना करे तो बेहतर है। नंबर टू नंबर तो कतई ना करे बिजनेस पर्पस वाले भाई। तो यहाँ पे बेसिक सा जो कस्टमर आए हुए जिसको ट्रांसफर करना है, जो करवाने आए, उनका नाम, उनका एड्रेस, वो जहां से बिलोंग करते हैं और उनका पिन कोड, ये सारी चीज डालकर यहाँ पे इसे वेरीफाई करके आपको कर लेना। इसके बाद एक ओटीपी कस्टमर मोबाइल पे गिर जाएगा जो साथ मोबाइल लेके आना होगा, एंड जैसे ओटीपी डालकर इसे वेरीफाई करेंगे वो कस्टमर यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। अब रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे हो सकता है उसका केवाईसी मांगे, तो केवाईसी इस कंडीशन होता है जब आया हुआ कस्टमर 25,000 से ऊपर ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करता है तो वहाँ केवाईसी रिक्वायर है, जिसमें आधार कार्ड डिटेल डालकर उसको फिंगर लगाना पड़ता है। तो वो बात का एक प्रोसेस है, ज्यादातर लोग 25,000 के अंदर ही ट्रांसफर कराते हैं, हायर अमाउंट वो बैंक से जमा करते हैं, उनको चार्ज उतने नहीं लगेंगे अगर कंडीशन बनता है तो। अब इसे करने नीचे आएंगे तो आप सिंपली नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे उनका बैंक डिटेल अकाउंट नंबर डालना पड़ता है जो सबसे टॉप पे दिखेगा। अगर उस बंदे को जो कस्टमर पैसा भेजवाने आए हैं अगर पहले से भी किसी को भेजा होगा, जो नहीं आपके पास से ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी वो पे नियरबाय प्रोसेस भेजा होगा तो उनका नंबर डालने पे ये सारे डिटेल अगर दिख जाएंगे, पहले भेजा पे जो जो जिसको जिसको भेजा उनका डिटेल नाम अकाउंट नंबर दिखेगा। अगर नहीं दिखता आप में सिंपली पे अकाउंट नंबर मिलेगा, वहां पे अकाउंट नंबर दर्ज करना है आपको। ख्याल रखें यहाँ पे जिस भी बैंक का पहले अकाउंट नंबर आप डालेंगे, अगर कस्टमर का अकाउंट नंबर विजिबल नहीं है, सही से दिख नहीं रहा, धुंधला है, तो अल्टरनेटिव सोर्स है, आप अकाउंट नंबर से कस्टमर का नाम जान सकते हो, ऐसा प्रोसेस है। मैंने इसे वीडियो ऑलरेडी लाया है, ऊपर आई इन्फो वीडियो दिख जाएगी, आप उससे चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी एड न्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मुझे नए कस्टमर को भेजना है तो यहाँ पे एड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट नंबर कन्फर्म, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, ये इसे हमें मेल डालना है तो हम इसे भर लेते हैं। यहाँ पे दो बार ऑप्शन दिया जा रहा है, आप सही सही करेक्ट भरे, गलती यहाँ पे ना करें।
और सही भरे अकाउंट होल्डर नेम जो वो नाम डाले। एंड यहाँ पर नीचे पूछा जाएगा प्लीज इंश्योर द नेम ऑफ बैंक इज सेम एज नेम ऑन पैन कार्ड वगैरह मिला लेना। यहाँ पे बैंक आईएफएससी कोड, यहाँ पे बैंक का आईएफएससी कोड डालने को कहा जा रहा है। कस्टमर आईएफएससी कोड लेके आए तो आप डाल दे, अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं बता दूं कि आईएफएससी कोड कोई रिक्वायर नहीं है, हर ब्रांच का एक आईएफएससी कोड होता है। लेकिन मैं बताऊं कि पैसा भेजने के लिए आईएफएससी कोड जरूरी नहीं कि उसी ब्रांच का आपका हो। आप ट्राई करना आपका अकाउंट किसी एक ब्रांच में है और आप पैसा भेजने की कोशिश करो अपने, और आईएफएससी कोड कहीं और ब्रांच का डालो, आपका पैसा उसी अकाउंट में जाएगा। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा आईएफएससी कोड क्या कैसे क्या क्या फंडर होता है, काम कैसे करता है और इसे आसानी कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम कभी और वीडियो में बात करेंगे। अगर मालूम है तो आईएफएससी कोड डालें, अगर मालूम नहीं है तो नो पे क्लिक करें और अपना बैंक चूज करें जिस बैंक का आप भेजना चाहते हो। मैं यहाँ पे स्टेट बैंक यूज कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे चूज करेंगे स्टेट बैंक। जैसे आप डालोगे आपका स्टेट बैंक एक डिफॉल्ट आईएफएससी कोड होता है SBIN 0000001, ये डिफॉल्ट आईएफएससी कोड, इसको आप नोट कर लो। किसी को भी अगर स्टेट बैंक पैसा भेजना है बस आईएफएससी कोड ये चिपकाओ, अकाउंट नंबर सही से डालो, आपका पैसा उसी के अकाउंट में ही जाएगा। तो ये कुछ बैंक का होता नहीं आता हो तो आप सर्च कर लेना उसके कहाँ पे वगैरह वगैरह किस ब्रांच कहाँ पर है। अगर वो भी नहीं मालूम तो कोई भी आप उस बैंक का आईएफएससी कोड निकाल कर, सेम बैंक होनी चाहिए जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा कहीं भी ब्रांच का आप आईएफएससी कोड डालोगे पैसा उनके अकाउंट में ही जाएगा। तो आईएफएससी कोड का कंफ्यूजन यहाँ पे आपको क्लियर जरूर हो गया। उसके बाद नीचे आती है वैलिडिटी, ₹4 विल बी चार्ज। अगर आपको श्योर नहीं हो अकाउंट नंबर मिसिंग है या फिर डालने में कोई शंका है तो उसका नाम जान सकते हो कि बंदे का अकाउंट में नाम क्या है। इसके लिए आपके अकाउंट ₹4 काटे जाएंगे और कस्टमर के जो अकाउंट लेके आया उस अकाउंट होल्डर के अकाउंट ₹1 डिपॉजिट किया जाए उस पर नाम पता किया जाता है। अगर आपको कटाना है अपने ₹4 ये कटेंगे किनके, रिटेलर के जो ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आप कर सकते हो। अगर आप श्योर हो अकाउंट डिटेल के साथ तो आप नहीं कर सकते हो, बाकी अल्टरनेटिव सोर्स है। अकाउंट डिटेल कैसे पता किया जाता है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया हूं, आप उसे जाओ नए पेज में देखो और अकाउंट डिटेल कॉपी करो और अकाउंट नंबर यहाँ से कॉपी करने का आपसे वेरीफाई कर लो। अगर सब कुछ सही है क्यों ₹4 कटाना, हमें वो भी प्रॉफिट कमा लेते हैं, हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने का कस्टमर क्या जो आया हुआ कस्टमर उनके नंबर पे एक और ओटीपी गया इस प्रकार से, हेलो टू एड न्यू बेनिफिशियरी वसीम अकरम इतना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लीज इंटर ओटीपी, और ओटीपी आपको दर्ज कर देना है। जैसे ओटीपी हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पे बेनिफिशियरी एड हो जाएगा और इसको आप देखो ऊपर लिमिट रहेगा, एक मंथ में ₹24,900 आप भेज सकते हो मंथली लिमिट के हिसाब से। अगर आपको ज्यादा भेजना है तो फिर केवाईसी कर भेज सकते हो। ख्याल रखना सबसे टॉप पे आपको आपके जो मेन वैलिड पैसे होंगे वो दिख रहा हो उसके अंदर आप भेज सकते हो। अगर आपने सारे प्रोसेस कर दिए और पैसे लोड नहीं कर रखा था, बैक करो पैसे लोड करो फिर नंबर डालो, वो सारे डिटेल आपको यहाँ प्री फिल मिल जाएंगे, आप फिर यहाँ डायरेक्ट आकर पैसे भेज सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट में आपको दिखाने के लिए मैं ₹1,000 डाल रहा हूँ, ₹1,000 पे ₹10 कटेंगे जो रिटेलर है कटेंगे, जो चार्ज आपको कस्टमर से लेना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है फास्ट IMPS स्लो NEFT। बता दूं यहाँ पे कि ये जो ट्रांजेक्शन है स्लो या फास्ट को पैसे उतने ही लगेंगे। NEFT में 2-3 घंटे के बाद पैसा क्रेडिट होता है और IMPS में इंस्टेंट पैसा चला जाता है। एंड यहाँ पे आपको पेमेंट कटेंगे यहाँ नीचे दिख रहा हो, बस आपको ट्रांसफर जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सारा डिटेल एक बार रिकन्फर्म कहा जाएगा कि आप अकाउंट नंबर एक बार मैच कर लो, अकाउंट डिटेल मैच कर लो, IFSC कोड मैच कर लो, अमाउंट मैच कर लो और किस चीज से भेज रहे हो वो मैच कर लो, सब कुछ अगर आपका कन्फर्म है तो आप इसे कन्फर्म करोगे आपका यहाँ पे पेमेंट ट्रांसफर सक्सेस हो जाएगा और कस्टमर के नंबर पे मैसेज चल जाएगा इस प्रकार से कि इतना रुपया ट्रांजेक्शन रुपया इतना इतना के IMPS इतना इतना आपका फी ₹10 यहाँ पे स्टैटली शो कर जाए और आपको यहाँ पे रिसिप्ट एक सामने दिखे जहाँ पे चार्जेस अमाउंट सब चीज दिखे। आप इसका रिसिप्ट अगर आपके थर्मल प्रिंटर है तो प्रिंट दे सकते हैं या फिर डाउनलोड कर कस्टमर को स्क्रीनशॉट वगैरह दे सकते हैं और आपका मनी ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा। अब आती है यहाँ पे चार्जेस की बात, तो कस्टमर से आपको जितना भी अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं इंक्लूड 1% जो आपको सामने डिस्प्ले दिखता है वो लेनी है। अगर आप अकाउंट नंबर में नाम जानते हो ₹4 आप कटते हो तो आप वो भी कस्टमर से ले सकते हो या अपने हिसाब से छोड़ सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आप उस प्रोसेस करते हो या नहीं करते हो। यहाँ पे प्रॉफिट क्या मिलेगा तो प्रॉफिट जानने के लिए हम सीधा चलते हैं कमीशन स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे आप भी अपने पे नियर बाय ऐप से चेक कर सकते हो। लेफ्ट साइड में 3 लाइन में क्लिक कर नीचे देखो 4th या 5th ऑप्शन में कमीशन स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, जिसमें अदर कमीशन अंदर आकर आप नीचे आएंगे दिखाएंगे यहाँ पे ऑफर तत्काल मनी ट्रांसफर एनी बैंक अकाउंट इन इंडिया, तो यहाँ पे आपको स्लैब दिख रहा होगा। यहाँ पे 0 से लेकर 999 भेजोगे तो कस्टमर फी लेनी है ₹10, जिसपे आपको रिटेलर कमीशन ₹4.5 मिलेगा। इनके अलावा जैसे आप अमाउंट बढ़ते जाओगे तो 0.48% आपको कमीशन मिला, जिस कस्टमर से आपको राइट साइड दिख रहा हो 1% चार्ज करना है।
मैक्सिमम आप जो वो ट्रांसफर करते हो 25,000 रुपए एक बार बिना कैश ट्रांसफर कर सकते हो, जिसपे आपको कस्टमर 250 रुपए चार्ज करा और आपको कमीशन तौर पे 100 रुपए यहाँ पे गिरेगा 0.48% बाकी इसके जितने भी है उस हिसाब से। जिस कमीशन को आपको स्ट्रक्चर देख लिया, आपको देखना है कि कितना रुपए गिरा। आप रिपोर्ट के अंदर आकर ट्रांजेक्शन दिख रहा है उसके ऊपर टॉप पे आपको अदर्स दिख रहा है, उसके अंदर आकर अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा डेबिट रिटेलर रेमिटेंस 10 रुपया चार्ज काटा गया। इसके बाद आपको 4.5 रुपया जो 0.45% का आ गया है वो लौट गया है। आप बोलोगे 4.5 गिरा है तो भाई आपका टीडीएस भी कटता जो 0.23 है इंक्लूडिंग 0.48%। यानी कि आपको किसी को 10,000 रुपए ट्रांसफर करोगे कस्टमर का तो आपको बेनिफिट जो है वो 48 रुपए होगा। कार्ड छाट कर आपको 45 रुपए मिलेगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो 0.19% इंक्लूड कर लो, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर पे गिरता है, डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन। अगर आप खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट गिरा, ये अलग की चीज है। लेकिन बेस जो इनकम एक रिटेलर के लिए डीएमटी मनी ट्रांसफर प्रोसेस पे 0.45% जो इंस्टेंट कमीशन गिरता है, बाकी टीडीएस एक अलग चीज, उसे अलग से रिफंड लिया जाता है। अब ये टीडीएस क्या झमेला, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, टीडीएस कैसे रिफंड लिया जाता है वो भी मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में वो भी वीडियो मेंशन कर दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। टीडीएस कितने मने रिफंड लेना लेना क्या क्या प्रोसेस वो सब आप देख सकते हो पेनियर वाइब से ही। अब यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोगों का सवाल ये रहेगा कि भैया हम अगर यूपीआई करेंगे तो 1% कमीशन बनेगा, 10,000 पे 100 रुपए सीधा बनेगा हमारा, हम क्यों डीएमटी करने जाए और 0.45 या फिर 0.48% कमाए। तो एक चीज ध्यान रखें, जब आप यूपीआई किसी को भेजते हो पैसा देने के लिए तो यहाँ पे आपके बैंक से डायरेक्टली ट्रांजेक्शन होता है, चाहे आप करंट अकाउंट यूज करो या फिर सेविंग अकाउंट। जब आप किसी को पैसा भेजते हो तो अगर आप दिखा रहे हो बिजनेस पर्पस हमने भेजा है, किसी को पैसा काम रेट भेजा है, तो भैया आप पैसे भेजो तो आपने उस पर कमाए होंगे कमीशन, कमीशन कमाएंगे आपका ट्रांजेक्शन। अगर कोई बंदा है 10,000, दिन में 3-4 बंदे आएगा 40,000 महीने का, जोड़ लो आपको कितना हो जाता पैसा सारे इंक्लूड करके। इतना ट्रांजेक्शन आपके बैंक से होगा तो बैंक में वाली रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेंगे आपने इतना पैसा ट्रांजेक्शन किया, आप तो कमाए होगे, तभी हो क्या है कमाए हो तो आपने क्या टैक्स पे किया, उसका टीडीएस जो कटता है वो टैक्स कटता है छोटे छोटे अमाउंट में, पे किया नहीं किया तो आपको यहाँ पे नोटिस आ सकती है इनकम टैक्स की, बहुत ज्यादा आपके बैंक ट्रांजेक्शन। कई सारे लोग ज्यादा कमाई चक्कर में ऐसे करते हो, बाकी आपको 140% तक का वहाँ पे जुर्माना लगाया जा सकता है अगर आप वो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाते हैं, उनके नजर में आते हैं तो। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से यूज करते हो डीएमटी प्रोसेस मनी ट्रांसफर, यहाँ महीने का करोड़ों का ट्रांजेक्शन करो, आपका जो प्रॉफिट है 0.48%, वो भी इसमें टीडीएस जो काट लेता हो टैक्स के बोल को जो रिफंडेबल है अगर आप अप्लीकेबल हुए तो, बस यही प्रोसेस की 10,000 में आपका 100 रुपये का ट्रांजेक्शन बना, इसी पे आपको दिखाना भी यही हमारी कमाई है, इसी पे जो होता है टैक्स हो बाकी आप फ्री है। कई सारे लोग क्या करते हैं यूपीआई से नंबर टू नंबर पैसा मंगाते हैं, और मैं बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। यूपीआई में किसी भी लोगों को बिजनेस पर पैसा देना या फिर लेना बहुत बुरे फंस सकते हो। अगर कोई स्कैम का पैसा आपको भेज दिया बाय आपके मोबाइल नंबर यूपीआई ऐप से तो आपके अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट पर पैसे भी चला जाएगा, ऐसा कई सारे लोगों के साथ हुआ है। मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरा अनुभव इस चीज़ में बेहतर है। अगर आप पैसा किसी से लेते हो तो एक मर्चेंट क्यूआर या फिर पेनियर बाय का जो क्यूआर उसका यूज़ करो, उससे पैसा एक्सेप्ट करो, मैक्सिमम 10,000 एक बार ले सकते हो जो ठीक ठाक, जो मैं भी यूज करता हूँ कैश प्रोवाइड करें ज्यादा बेहतर है। आप ईपीएस से निकालो, किसी भी अननोन पर्सन से नंबर टू नंबर ट्रांजेक्शन कहीं मत करो, ना यूपीआई दो और ना ही लो। मैं ये नहीं कहता है कि आप यूपीआई का इस्तेमाल ही मत करो, लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए आप किसी भी अननोन लोगों को मनी ट्रांसफर लेन देन के लिए ना करो तो बेहतर है। आप लॉन्ग टर्म और सही सही से अपने बिजनेस कर पाओ बिना किसी दिक्कत के, नहीं तो आप पुलिस के झमेले कोर्ट के चक्कर यहाँ वहाँ ज्यादा कमाने चक्कर में आप पड़ोगे, बिजनेस छोड़ के अलग काम करो, बिजनेस भी ठप हो जाएगा आपका और आप अलग से हरासमेंट होते रहोगे। बाकी आप किसी भी पोर्टल का यूज करते हो एपीएस क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या चीज की जानकारी चाहिए, कैसे क्या क्या हम काम करें, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड पूरा वीडियो बनाया हूं ताकि आपको कभी भी कोई तरह का कार्रवाई, कोई भी पुलिस का चक्कर, इनकम टैक्स का कोई झंझट ना ले, उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं। जो वीडियो आपको सामने देखने को मिल जाए उसे आप चेकआउट कर सकते हो और सेफ काम कर सेफली रह सकते हो बिना किसी झंझट का, दिमागी टेंशन का। बैंकिंग सीएसपी सीएससी एपीएस सर्विस आप शॉप पे देते हो उसको प्रोवाइड कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।